Hello everyone, welcome back, and today we are going to solve the practical question number 5th. And in this question we are going to solve the payback period by some different part, जिसमें हमें actually question में total cost या sales के basis पे हमें payback period को calculate करना है. And then we have to provide the suggestion based on the payback period कि कौन सी machine हमारे लिए best होगी. Let us see the question. A and A Limited decided to purchase a machine. There are 3 machines under consideration of the management. Income tax rate आपको दिया हुआ है, and that income tax rate is how much? It is 40%. तो 40% का income tax rate है. Then initial investment required machine 1 का है 6 lakhs, machine 2 का 6 lakhs, machine 3 का भी 6 lakhs. तीनों machine का 6-6 lakh rupees है. सिर्फ आपके जो expenses रहेंगे वो अलग अलग है, उसके basis पे we will be deciding. Estimated annual sales 10 lakhs है, यहाँ पे 8 lakhs, यहाँ पे 9 lakhs. Then the cost of production, we are having different expenses, direct materials, direct labor, factory overheads, administration cost, selling. तो ये सारे हमारे पास expenses है. Similarly for machine 2 भी हमारे पास expenses है, and for machine 3 भी हमारे पास expenses है. तो अभी आगे देखते हैं कुछ और information. फिर हमको दिया है economic life of the machine 1 is 2 years, और बाकी दोनों के लिए 3 साल के लिए उनका लाइफ है. और स्क्रैप वैल्यू भी दिया हुआ है. दिस विल बी यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन. तो देखो कैसे कैलकुलेट होता है. ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, ये आपका फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का. तो मशीन 1, तो देखो मशीन 1 का कॉस्ट कितना है. मशीन 1 का कॉस्ट है हमारा 6 लाख रुपीस, ठीक है, काफी सिंपल है. तो मशीन 1 का कॉस्ट कितना है, 6 लाख रुपीस. मशीन 1 का स्क्रैप कितना है, 80,000. और मशीन 1 का जो हमारा लाइफ है वो कितना दिया है, मशीन 1 का लाइफ है 2 इयर्स का, तो 2 इयर्स का. सिमिलरली फॉर मशीन 2 आपको कैलकुलेट करना है. सबके लिए कॉस्ट तो सेम दिया है 6 लाख, माइनस का स्क्रैप कितना दिया है 50,000, और डिवाइडेड बाय उसकी लाइफ कितनी दी है 3 इयर्स. सिमिलरली फॉर मशीन 3, 6 लाख माइनस उसका स्क्रैप कितना है 60,000, एंड अगेन द लाइफ इज सेम फॉर मशीन 3, दैट इज 3 इयर्स. तो दिस इज द पार्ट विच वी विल बी कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन, जो आगे मैंने प्रेजेंट किया है. तो अभी इस फॉर्मेटिंग को समझते हैं. देखो कैसे मैंने ये फॉर्मेट प्रिपेयर किया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. देन वी कैन प्रिपेयर द कैलकुलेशन, देन वी कैन कैलकुलेट द पेबैक पीरियड. जैसे कि सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स, तो सारे मशीन का कॉस्ट वी हैव रिटन 6 लाख्स, 6 लाख्स एंड 6 लाख्स. फिर हमारे पास सेल्स दिए हुए थे, तो वो हमने सेल्स कॉपी कर लिए 10 लाख्स, 8 लाख्स एंड 9 लाख्स. तो हमारे पास सेल्स थे, सेल्स का इंफॉर्मेशन भी हमने लिख लिया. देन वी विल डू व्हाट, वी विल राइट ऑल द एक्सपेंडिचर्स. सो टोटल कॉस्ट हमारे जितने भी एक्सपेंसेस थे, वो सारे एक्सपेंसेस को हमने ऐड कर लिया. सिमिलरली फॉर मशीन 2 एंड सिमिलरली फॉर योर मशीन 3. Then we got the answer as 6,20,000, 4,83,334 and 5,14,000. This is your total cost. Then we have to do what? जो हमारा sales है, sales में से हमें total cost को minus करना है. तो 10 lakhs हमारा sales है, sales में से total cost minus हुआ, we will get the answer profit before tax. तभी में मिल गया profit before tax. फिर उसके बाद हमको tax minus करना है, tax is 40%. तो टैक्स हमेशा किसके ऊपर होता है, टैक्स हमेशा होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर. 40% वी हैव कैलकुलेटेड, तो हमें मिल गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,28,1,90,000 एंड 2,31,600. देन हमने सीखा था कि पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या लगता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन. याद रखना हमेशा कि यू विल रिक्वायर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन. तो आफ्टर टैक्स आने के बाद उसमें आपको डेप्रिसिएशन प्लस करना है. डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है मैंने अभी आपको सिखाया, फॉर्मूला भी हमने यूज़ किया, तो वो ये आपको आंसर्स मिल जाएंगे. तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर आप डेप्रिसिएशन को प्लस करते हो तो वी गेट द आंसर एज 4,88,000. 4,88,000 हमको मिल गया, दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन सबका मिल गया. ठीक है, काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन है. तो जो हमने कैलकुलेशन किया है उससे अभी हम पेबैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे. देखो पेबैक पीरियड कैसा है, फॉर्मूला क्या बनेगा, अभी फॉर्मूला बनेगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट. फॉर्मूला क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन, दिस विल बी द फॉर्मूला। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हमें डिवाइड करना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन के साथ। इसका मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे 6 लाख, 6 लाख को डिवाइड करना है इस वैल्यू के साथ। तो यहाँ ये वैल्यू को हमें 4,88,000 के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। तो वी विल गेट द पे बैक पीरियड 1.23, दैट विल बी इन ईयर्स। ठीक है, पे बैक पीरियड हमेशा ईयर्स में होता है। सिमिलरली सेकेंड वाले के लिए सॉल्व करेंगे, ये 6 लाख को डिवाइड करना है 3,73,334 के साथ। तो विल गेट द आंसर एज 1.61 ईयर्स। सिमिलरली फॉर थर्ड करेंगे, 6 लाख को डिवाइड करेंगे 4,11,600 के साथ, तो कितना मिलेगा, 1.46 ईयर्स। तो 1.46 ईयर्स इज द आंसर फॉर दिस। तो आपका ये बन गया, तीनों ईयर्स आपके पास आ चुके हैं एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ पे बैक पीरियड। अगर अभी हम कंक्लूजन दें तो आपको पे बैक पीरियड के लिए क्या याद रखना है, लोअर जो आपका लोअर है, लोअर वैल्यू जो है दैट विल बी सिलेक्टेड। याद रखना, काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन है कि जो सबसे कम टाइम में हमको पैसे रिटर्न देगा दैट इज़ दी बेस्ट मशीन। तो पहला है 1.23, फिर 1.61, 1.46। अगर हम तीनों में से कंपेयर करें तो सबसे छोटा कौन सा है, तो आप कहेंगे मशीन वन, 1.23 ईयर्स में ही पैसा मिलेगा। तो कंपनी कौन सा मशीन सिलेक्ट करना चाहिए, कंपनी को हम सजेशन देंगे, मशीन वन शुड बी सिलेक्टेड बिकॉज द पे बैक पीरियड ऑफ मशीन वन इज लेस एज कम्पेयर टू मशीन टू एंड थ्री। तो ये आपका हुआ पे बैक पीरियड का कैलकुलेशन कुछ नए टाइप के क्वेश्चन के साथ। आई होप दिस कैलकुलेशन वॉज क्लियर टू यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू एवरी वन, बाय बाय, टेक केयर।